आज हम तैयार कर रहे हैं गुलगुले। राजस्थान में गुलगुले बहुत ही प्रमुखता से बनाए जाते हैं और अभी आगे शीतलाष्टमी आ रही है, या हमारे यहाँ इसे बाछोड़ा कहते हैं, तो बाछोड़ा पे इसे ज़रूर बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए ले लेते हैं गेहूं का आटा। यहाँ 2 कप गेहूं का आटा मैंने इस्तेमाल किया। उसमें डाल लेते हैं सौंफ। अब ऐड करेंगे जो सूखा नारियल होता है, उसकी बिल्कुल बारीक कट कर कर उसकी गिरी डाल लेते हैं। चीनी आप ऐड करें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया था, तो 1 कटोरी यहाँ चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 कप से भी आप थोड़ा सा कम रख सकते हैं। अगर आप चीनी पसंद ना कर सकते हो तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे पानी। जितने पानी की हमें ज़रूरत है उतना ही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। एक बार में अगर आप पानी डालते हैं तो गुलगुले का घोल पतला हो जाएगा। तो गुलगुले का घोल बनाकर हम तकरीबन इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आज बाछोड़ा था तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो अब इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा। अगर आप मीठा सोडा न डालना चाहें तो भी ये 2 से 3 घंटे जो आप इसे घोल बनाकर छोड़ेंगे उससे भी गुलगुले बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छे से अपना घोल बनकर तैयार हो चुका है। इसे बहुत पतला घोल हमें बनाकर तैयार नहीं करना है। अब चलते हैं कढ़ाई के पास। ले लिया है तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप थोड़ा फैलाते हुए इन गुलगुलों को डालें, ताकि जो ये गुलगुले बनेंगे वो बहुत ही परफेक्टली बनेंगे और बड़े बड़े बनकर तैयार होंगे। राजस्थान में बाछोड़ा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो यहाँ पर उसकी एक रेसिपी में गुलगुले ज़रूर शामिल होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि किस तरीके से हम यहाँ शीतलाष्टमी पे कई सारी चीज़ें बनाकर तैयार करते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। तो देखिए बातों ही बातों में अपने गुलगुले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें पलट लेते हैं एक बार। जिस वक्त आप गुलगुले यहाँ पर तेल में ऐड करें उस वक्त एक बार के लिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जब आप गुलगुले इसमें डाल दें उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर दें, ताकि जो हम गुलगुले बना रहे हैं वो अंदर से पूरे परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएं। आपके यहाँ शीतलाष्टमी पे किस तरह की और चीज़ें बनाई जाती हैं ये आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। राजस्थान में राबड़ी, गुलगुले, मीठी थूली, कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज हम गुलगुले बनाकर तैयार कर रहे हैं परफेक्टली, जैसे गुलगुले हम बनाना चाह रहे थे, बिल्कुल फूले फूले और बिल्कुल पके हुए गुलगुले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसी तरीके से आप भी गुलगुले बनाकर तैयार करें। आज हमने पूरी तरह से गुलगुले तैयार कर लिए हैं। आप गुलगुले बनाएं एंड एंजॉय।